और मोहब्बत जीतेगी नफरत हारेगी, ये पैगाम आज भी सबके सामने आ चुका है। और अगर किसी ने जुल्म किया है तो लंका के जलाने वाले के भी प्रतीक हैं, तो आज इन्होंने रावण की लंका का दहन शुरुआत कर दी है। सुमति निवार सुमति के संगी, जय बजरंगी जय बजरंगी। कर्नाटक चुनाव के परिणाम आने के बाद कांग्रेसियों में जबरदस्त खुशी की लहर देखी जा रही है। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय पर मौजूद हैं। आप हमारे पीछे ठीक तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पे जो कांग्रेसी हैं वो खुशी मना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे बजरंग बली का स्वरूप देकर शख्स को लाया गया है, बजरंग बली के रूप में अब इन्हें यहाँ पर पेश किया गया है। जिस तरीके से कर्नाटक के चुनाव में बजरंग बली की एंट्री हुई और उसके बाद फिर बजरंग बली के गधे पर चर्चा हुई और फिर बजरंग बली के साथ साथ बजरंग दल पर जो कांग्रेस का जिस तरीके से कांग्रेस ने स्टेप लिया था, एक कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि कांग्रेस को उसका भी फायदा मिला है। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हम चाहेंगे कि यहाँ पर कांग्रेसी जो कार्यकर्ता से बात करें, जिस तरीके से कांग्रेस की परफॉर्मेंस रही है कर्नाटक में, क्या लगता है कि अब ये जीत की शुरुआत हो चुकी है कांग्रेस की? जाहिर सी बात है, यहीं से क्या, हमारी तो जीत तो हिमाचल प्रदेश से हो चुकी है और दूसरा नंबर कर्नाटक का, तो आगे एमपी है, राजस्थान है, और हम धीरे धीरे करके और फिर 2024 में नो डाउट सेंट्रल में हम ही आएंगे। और मोहब्बत जीतेगी नफरत हारेगी, ये पैगाम आज भी सबके सामने आ चुका है, क्योंकि बजरंग बली मोहब्बत का प्रतीक है और ये मोहब्बत के साथ सिज्जा श्री राम का नारा लगाते हुए, श्री राम की फोटो अपने सीने में दिखाते हुए, ये उसी चीज़ का प्रतीक है जो आज हमारे सामने आया कर्नाटक के रूप में। और अगर किसी ने जुल्म किया है तो लंका के जलाने वाले के भी प्रतीक हैं, तो आज इन्होंने रावण की लंका का दहन शुरुआत कर दी है। तो पूरी तरीके से देखिए, जो नारा था कांग्रेस का, नफरत हारेगी मोहब्बत जीतेगी, उस नारे की यहाँ पर कांग्रेसी बात कर रहे हैं और तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं यहाँ पे जो यहाँ पर बजरंग बली के साथ मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि अगर हमारी और भी लोगों से बात हो पाए, क्योंकि जीत का जश्न है। तस्वीर एक बार देखिए किस तरीके से हाथ में गदा लेकर यहाँ पे मौजूद है कांग्रेसी कार्यकर्ता है, किस तरीके से देखते हैं इस जीत को, कितनी महत्वपूर्ण है ये जीत। सुमति निवार सुमति के संगी, जय बजरंगी जय बजरंगी। और उन्हीं बजरंग बली ने इन भ्रष्टाचारियों की नली तोड़ने का काम किया है। आज जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान खोली थी, वो दुकान कर्नाटक में गली गली में खुली है और आने वाले 2024 के चुनाव में ये दुकान देश के हर कोने में खुलेगी, हर गली में खुलेगी, हर नुक्कड़ पे खुलेगी और देश में 2024 में प्रेम सद्भाव के साथ में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग सत्ता पे काबिज होंगे। इनके अहंकार का जवाब हनुमान जी इस गदा के द्वारा देने का काम करेंगे। देखिए कांग्रेस को हनुमान जी के गदा का सहारा मिल गया, बात कर लेते हैं, कांग्रेस को हनुमान जी के गदा का सहारा मिल गया है, जीत भी हासिल हो गई, क्या ऐसा कह सकते हैं? हम लोगों को कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए एक तो सभी को वहाँ के लोगों को बहुत बहुत बधाई, और ये हनुमान जी का गदा का सहारा मिला है, लोगों की वोटों का सहारा मिला है और ये जीत हमारी 2024 की जीत का एक वो है और इसके बाद हम लोग 2024 में भी जीतेंगे और इसकी शुरुआत आज कर्नाटक से हो चुकी है। जिस तरीके से अब आप लोग लगातार जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी वहां से नारा निकला था, नफरत हारेगी मोहब्बत जीतेगी, तमाम कार्यकर्ता आज वो नारा भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं आप? जी जी निश्चित, आज हमारे राहुल गांधी जी ने जैसे कहा था कि नफरत हारेगी और मोहब्बत जीतेगी, उसी का आज ये हम लोगों के कर्नाटक की जनता ने इसका सीधा सीधा वो हम लोगों को दिया है और जीत के रूप में हम लोग कांग्रेस पार्टी को जिताया है, इसके लिए बहुत बहुत वहाँ की जनता को बताया। और भी लोगों से बात कर लेते हैं, यहाँ पर युवा कार्यकर्ता भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट है ये जीत कर्नाटक की, आप लोग यूथ हो कार्यकर्ता हो, किस तरीके से आप लोग इसको इम्पोर्टेंट? सिर्फ एक राहुल की फैन हूँ मैं, कार्यकर्ता नहीं हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ राहुल के लिए आई हूँ और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नेसेसिटी थी कि हमारी कांग्रेस को कोई जीत मिले और राहुल गांधी के मेहनत से उनको मिली है, उन्होंने मोहब्बत की दुकान अपनी कायम कर ली है और बस इसी का जश्न है आज। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने शुरू किया था, कर्नाटक में काफ़ी समय दिया था, लगता है कि एक वो भी एक बहुत अहम रहा, एक इम्पोर्टेंट किरदार उन्होंने निभाया इस जीत में? उन्होंने बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा सक्सेस थी और कर्नाटक का रिजल्ट ये बोल रहा है, इंशाल्लाह 2024 में यूपी भी बोलेगा। आगे यही जीत को आगे कहां तक देखते हैं, क्योंकि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उसके अलावा कई राज्यों के चुनाव है, तो अब ये जो जीत की शुरुआत हुई है आगे ये कंटिन्यू रहेगी? बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी और राहुल गांधी की मेहनत बोलेगी। यूपी का भी आज निकाय चुनाव का रिजल्ट आया, कांग्रेस की परफॉर्मेंस यहाँ बेहतर नहीं हुई, अभी नंबर्स इंक्रीज हुए हैं, उसको वोट्स में बदल जाएंगे बहुत जल्द, तो इवेंचुअली हम लोग जीतेंगे, कांग्रेस आएगी और यूथ जेन्युइनली चाहता है कि अब
नफरत हट जाए और मोहब्बत वापस आ जाए। फिलहाल आज आप लोग कर्नाटक की जीत मना रहे हैं। कर्नाटक की जीत मना रहे हैं और जो भी लोग आज भी निकाय चुनाव में जीते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा बधाई हो और 24 की तैयारी अब शुरू हो। ठीक है, तो ये कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, निश्चित रूप से आज ये यूपी चुनाव की कम बात कर रहे हैं। कर्नाटक की जीत के जश्न में कांग्रेस डूबा हुआ है और उसी की ये लगातार बात कर रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस ने कर्नाटक में जो पूरा चुनाव लड़ा, साफ तौर पर शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि कांग्रेस की जीत लगभग तय है और अंत में जब रिजल्ट आया तो यही हुआ। और बजरंग बली को इस तरीके से, जिस तरीके से कांग्रेस ने पूरे चुनाव में उनके नारे को इस्तेमाल किया और ये पूरी चीज़ें जो थी, जो एक बात की जा रही थी बजरंग बली की, बजरंग दल की, तो जिस तरीके से जो स्टेप था राहुल गांधी का, उसने भी बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसमें निभाया। तो फाइनली कांग्रेस की कर्नाटक में जीत हुई है और ये जीत अब कांग्रेस की जश्न में तब्दील हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट विराज खान के साथ फरीदुल हसन, हैशटैग भारत न्यूज़ लखनऊ।